welcome back to Indian YouTuber Dilam Naik's channel. आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं. So hello, good evening, namaskar, वडकम, सस्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केमो ना शो, बताइएगा जरूर. और अगर गाइस दोस्तों आपका दिन अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो आपने ट्यून इन कर लिया है बहुत ही फन एंड एंटरटेनमेंट वाला चैनल जो है इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक का चैनल, जो फुल ऑन मस्ती, बातचीत, चिट चैट, इन सब से रिलेटेड है. तो अगर आपको फन चाहिए अपनी लाइफ में, हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी क्यूट सी और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए. तो गाइज आज है व्लॉग मिस डे 23 और आज है दिसंबर 23rd, दो दिन और एंड देन इट्स क्रिसमस 25th को. क्रिसमस मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, क्रिसमस हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसकी वाइब ही इतनी अच्छी होती है, इतना जॉय, इतना अपनापन होता है फेस्टिवल की फील में कि आप सेलिब्रेट करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पैंदा, सब कुछ अपना लगता है तब. तो बस आई एम सो सुपर सुपर पम्प्ड अबाउट इट. और अभी बज रहे हैं शाम के 4. मैंने बाल में खूब अच्छे से चम्पी करके रख ली है, तो मैंने लगाया है नारियल का तेल, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने अनियन जूस मिलाकर मैंने अपने बालों में लगाया है, तो ताकि ये थोड़ी देर एक घंटे सेट हो जाए, फिर मैं अपने शैम्पू कर लूँगी. तो आज मुझे शैम्पू करते करते देर हो गया, काफ़ी काम था, तो सुबह से मैं काफ़ी बिजी हूँ. और हमारे जो फ्लावर्स का अपडेट है वो तो बनता है. तो हमारे जो खूबसूरत से फ्लावर हैं, मैक्सिमम जो है बहुत ही खिले खिले हैं, एक दो हैं जो ऐसे ग्लूमी हो गए हैं, थोड़े लटक से गए हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा बाहर रख दिया जाए, धूप मिलेगी तो ठीक होंगे क्या, पता नहीं, मैं सोच रही थोड़ा बाहर रख दे. ये जो कार्नेशंस है ना, ये तो बहुत खिले खिले हैं, बहुत अच्छे चलेंगे, ये तो आराम से 10 दिन चलेंगे. पर ये रोजेज ना ज़्यादा समय नहीं चलते हैं, दो हैं जो ऐसे थोड़े लटके हैं, तो आई थिंक एक दो दिन में इनके शायद 2-3 दिन में प्राण निकल जाएँ शायद, आई डोंट नो. और मैं अपने हबी जी से डिस्कस कर रही थी कि 25th को मैं अपना हेयर कट करने चलूँ क्या, तो हबी जी बोले चलो क्या दिक्कत है. तो मैं सोच रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को हम लोग जाएंगे, तो मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ले लूँगी अपने बर्थडे के लिए. और ऑब्वियसली आप सब तो आओगे ही हमारे साथ, तो डोंट वरी, व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करना ईजी हो जाता है. व्लॉग जब तक स्टार्ट ना करो तो उसको हम लोग सोचते रह जाते हैं यार क्या करें क्या करें, करें ना करें, बीच में अटक जाते हैं. लेकिन अब जबकि व्लॉग स्टार्ट हो गया है तो मस्त. तो मैं जब नहा लूँगी तभी मैं चाय चढ़ाऊँगी, पहले तो ऐसे ही सुखाऊंगी, मैं टॉवल ड्राई कराऊंगी, उसके बाद देखते हैं, अगर हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगी, वरना छोड़ दूँगी ऐसे ही. पूरी रात है मेरे पास तो अभी, तो रात भर में मुझे लगता है 6-7 घंटे में तो सूख जाना चाहिए अच्छा खासा, पंखे में तो सूख जाएगा मुझे ऐसा लगता है. फ्लावर्स को हाई कर लेते हैं पहले, मतलब वो भी बुरा मान जाएंगे कि यार मुझसे हाई नहीं करवाया. तो आइए फ्लावर्स को हाई कर लेते हैं. Hello beautiful flowers, hello beautiful flowers. So beautiful flowers, आप कर दीजिए hello हमारी beautiful सी crazy family को. So hi guys, मैंने लोग की तरफ से आपको भी hi कर दिया. तो ये देखिए हमारे beautiful से flowers, ये जो हैं ये थोड़े से gloomy हो गए हैं जैसा आपको दिख रहा है, बाकी maximum अच्छे हैं. बहुत सुंदर लग रहे हैं, बगीचे में झांक रही हूँ मैं. तो ये देखिए ये वाला जो फ्लावर है वो थोड़ा सा ग्लूमी हुआ है हल्का सा, और ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर थोड़ा सा ग्लूमी हुआ है, बाकी सारे अभी तक अच्छे से हैं. देखिए आप खिले खिले से हैं काफ़ी अच्छे से. तो गाइस बस इतना है. और हबी जी की चल रही है मीटिंग, तो मैं अपने लिविंग एरिया में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है, और थोड़ी देर में वो भी फ्री होंगे तो शायद मिलवाएंगे. अब देखते हैं प्रभु कब फ्री होता है, प्रभु की भी तो अपरम लीला है, तो क्या किया जाए, है ना. हम लोग का जो फ्रीजर है उसमें बर्फ नहीं जम रही है, तो अभी भी टेक्नीशियन आया नहीं है, आज आने की बात हुई थी तो अभी तक वो आया नहीं है. तो हम लोग अब तो शाम के 4:15 हो ही रहे हैं, अब देखो कब तक आता है, आई डोंट नो आज आता भी है कि नहीं. हमारे हबी जी ने कॉल किया था फॉलो अप करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे, तो ये मानकर हम लोग चल रहे हैं कि शायद वो आए. लेट्स सी, फ्रिज बाकी काम कर रहा है अच्छा खासा, तो उसमें कोई इशू नहीं हो रहा, बस फ्रीजर में बर्फ नहीं जम रही है.
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं किचन में, जहाँ पे हर चीज़ों की शुरुआत होती है। आई थिंक पूरा घर पूरा घर आई थिंक किचन से ही चलता है। तो मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैंने भी शावर ले लिया है, तो मेरे सिर पे आप पगड़ी देख ही सकते हैं, तो बाल अभी सूखी नहीं है। अभी तो निकली हूँ मैं पूजा करके, तो मैंने सोचा चाय पहले चढ़ा ली जाए और थोड़ा थोड़ी गर्माहट वाली फीलिंग आ जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए, उसके बाद बाकी सारे काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट। तो गाइस मैंने चाय चढ़ा दी है और थोड़े बर्तन हैं अभी, तो मैं थोड़ी देर में करती हूँ चाय वगैरह पीकर ही मैं करूँगी, अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि बाल भी गीले हैं तो ड्रिप कर रहा है पूरा पानी, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है इस टाइम पे। और धूप भी चली गई है, शाम में बाल धुला है, तो क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ भी नहीं कर सकते। और हैप्पी किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। आपका स्टमक भी अच्छा रहता है, आपकी सोल भी अच्छी रहती है। और बालकनी में क्या हाल है, बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, आपको दिखाऊं मैं, देखिए कपड़े सारे सूख रहे हैं। और गाइस पता है क्या हुआ है, ये हमारे पास ना टिल्डा का 5 kg का राइस है, इसमें ये पूरा सील पैक था, पता नहीं कोई छेद हुआ कि क्या हुआ, आई डोंट नो, पर इसके अंदर ना छोटे छोटे वो जो कीड़े नहीं होते, घून जिसे कहते हैं, जो चावल में लग जाते हैं, बस वो ही लग गए हैं। तो इसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया, मैंने दूसरा पैक खोला है इसका, और इसको मैं कल जाकर छत पे धूप दिखा दूंगी, तो इससे चल रहे तो ऐसे ही छोटे छोटे से घून लग गए हैं इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि कल जाके छत पर इसको धूप दिखा देंगे, तो फिर ये लोग शायद भग जाएं मेरा चावल को छोड़कर। तो ये ना अगर पानी में आप धुलो तो वो निकल भी जाता है, पर मैंने सोचा कि धूप दिखा दो ज़्यादा बेहतर है, कोई छोटी मोटी चीज़ भी होगी तो ठीक हो जाएगी। ये टिल्डा का, मैं दिखाती हूँ आपको, ये टिल्डा का प्रीमियम बासमती राइस है, काफ़ी अच्छा होता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है इसकी, और राइस भी बहुत अच्छे बनते हैं ये है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो, अमेज़ॉन पे तो आराम से मिल जाता है। और इसको ना मैंने इस तरीके के एक कवर से ढक के रखा है, ताकि इसमें कुछ पड़े नहीं और थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे। तो शाम के 7:30 और मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, आलू बॉइल करके रख लिया है, तो ऑलमोस्ट डिनर प्रिपेयर हो गया है, बस चोखा की तैयारी करनी है। तो चोखा क्या चीज़ है, बस मैश्ड पोटेटोज जो हम अंग्रेज बोलते हैं, बस हम देसी स्टाइल में बनाते हैं। तो आज के व्लॉग में आई नो मैंने ज़्यादा कुछ डिश वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया आपके साथ, क्योंकि कुछ था ही नहीं आज बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा व्लॉग रखते हैं, कभी कभार आज इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहेगा ये। तो गाइज मैं ना बहुत समय से ये सोच रही थी कि आप लोगों के साथ कुछ घर में जो इमरजेंसी हेल्थ से रिलेटेड किट्स होने चाहिए उसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ी बातचीत की जाए, क्योंकि कोविड टाइम्स है, पैंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके अलावा भी ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, डिस्पाइट जब पैंडेमिक खत्म हो जाए उसके बाद भी आपके पास ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो घर पे हो। ज़रूरी नहीं है कि एल्डरली लोग हैं घर पे तभी आपके पास ये सब चीज़ें हों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप टीनेजर हैं, तो भी आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए घर में एज अ मेडिकल किट। तो जैसे हम डेटॉल की एक शीशी रखते हैं, थोड़ी सी बीटाडाइन रखते हैं, कॉटन रखते हैं, ये जो बेसिक मेडिकल किट हम रखते हैं चोट लग जाने पर, बुखार हो जाने पर, तो वैसे ही कुछ चीज़ें और आती हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए आज हमारे संवाददाता मिस्टर हबी जी से बात की जाए, क्योंकि आज ये फुर्सत में आए हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था कल कि हबी जी से बदला लिया जाएगा, तो आज का पोर्शन जो है ये पोर्शन है ये हमारे हबी जी टेक ओवर करते हैं और उसके बारे में बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे आपको, अब आपका पंच लाइन है, लोग सुनने के लिए तरसते हैं कि अपने आप पे थोड़ा चेक रखने के लिए हमारी हेल्थ कैसी है, इसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे पास होने चाहिए स्पेसिफिकली इस कोविड टाइम में और वर्क फ्रॉम होम टाइम में। इज दिस
ऑक्सीमीटर, ये डॉक्टर वाकू ब्रांड का है और इस तरह से एक बटन है, बटन दबाओ ऑन हो जाता है और फिर इसके अंदर उंगली डाल के बस 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और आपके हार्ट बीट कितना है। ये जितने भी हम प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे हैं, ये 3-4 प्रोडक्ट्स हमने अमेजोन से मंगाए हैं, ऑनलाइन मंगाया है, तो इसकी जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं। आपका बीपी मशीन है, इसमें ब्लड प्रेशर प्लस आपका पल्स रेट पता चलता है और ये इसका बैंड है, प्रेफर करिए बड़ा वाला बैंड लेने के लिए, छोटा वाला बैंड अगर किसी का हेल्दी हाथ होगा तो उस पे खुलने लाएगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसका बड़ा वाला बैंड लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे गाइस। ये जो बैंड होता है ये अलग अलग साइज में आता है, तो आप ये जरूर चेक करिएगा कि ये बहुत ही अच्छे लेंथ का हो, क्योंकि जो छोटे वाले बैंड होते हैं वो जरा सा भी इंसान अगर चबी होगा तो ये बैंड जो है खुल जाएंगे, तो कोई काम नहीं करेगा। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, हम लोग की नई नई शादी हुई थी और कुछ महीनों बाद हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे। उस समय मेरा एक हार्मोन होता है क्रिएटिनिन या क्रिएटिटाइन कुछ करके होता है, मैं नाम नहीं होता है, जो किडनीज के लिए रहता है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे, अनहेल्दी होने लगते हैं बॉडी, समथिंग हैपेंड विद इट। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर नापा, उनके पास जो बैंड था वो छोटी साइज का था, तो जब वो लगाते वो बार बार खुल जाता, जैसे इस पे प्रेशर आता वो बैंड बार बार खुल जा रहा था, तो वो ना उंगली लगाकर मतलब ऐसे पकड़ कर रखे हुए थे ताकि बैंड खुले ना और बीपी आ जाए। तो ये हो जाती है चीजें गाइस, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेंथी बैंड आप लोग इससे अपना रेगुलर चेकअप चेक करके मेंटेन कर सकते हैं, बीपी हाई या लो ना हो। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज स्पेसिफिकली इस वर्क फ्रॉम होम टाइम में है, आपका शुगर चेक करने का मशीन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मल जो शुगर रहता है वो आपके रेगुलर वर्क टाइम में मेंटेन चलता है, बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मल टाइम में आपका शुगर मेंटेन रहता है क्योंकि आप बाहर जाते हो, काम करते हो और खाना नॉर्मल होता ही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, खाना नॉर्मल हो रहा है और काम हो नहीं रहा है, घर पे बैठे हुए हैं सब कोई। तो हम लोगों ने डॉक्टर से बात की और उन्होंने बोला कि इस टाइम पे स्पेसिफिकली जब वर्क फ्रॉम होम है तो शुगर थोड़ा सा हाई हो सकता है लेकिन लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग अब ये रेगुलर चेक रखने के लिए वीकली या बाई वीकली मंथली आप ये डिवाइस रहेगा घर में तो आप चेक कर सकते हैं, वरना कहीं बाहर जाना होगा, कहीं आपको वे आउट करना होगा, ये सब काम करने के लिए किसी से मिलना होगा और वो और फिर मुसीबत है बिकॉज कोविड। तो कोविड की देन और हम घर में बैठे हैं इसको लगा के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट लाइफ हो गई है गाइस इस वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में और बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एज वेल। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जाते, आपकी जो सोशल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो जिसके वजह से इंसुलिन लेवल आपका अप डाउन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक रेगुलर चेक रखें, जैसे हमारे हबी जी ने बताया वीकली बाई वीकली और एवरी मंथ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चेक करें। इसका ब्रांड इस पे लिखा हुआ है क्या? ये है कंट्रोल प्लस का है और ये बाकी द रेस्ट इज ऑन यू, आपको जो ब्रांड इजीली मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इस ये हम लोगों ने अमेजोन से नहीं लिया है लेकिन ये अमेजोन पे मिलता है, तो एक लिंक दे देना बेटर। कॉन्टोर प्लस का तो आपको अमेजोन पे बहुत आसानी से लिंक मिल जाएगा, ये ब्रांड काफी फेमस है और अगर आप किसी मेडिकल शॉप में भी जाए तो उनके पास फॉर श्योर वो मशीन रहती ही है। ये कुछ 3-4 गैजेट्स हैं जो आपके पास जरूर होने चाहिए घर पे, नो मैटर कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल 20 साल के हैं या एल्डरली है 60 साल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। माइंड हेल्दी बॉडी उसी मंत्रा से चलिए और लाइफ यूं ही अच्छे से बीतती जाए। 2020 वैसे ही इस कोरोना काल ने बहुत ही खराब किया है, लेकिन जब आप सजग और सतर्क रहेंगे तो आप किसी भी मुसीबत से आगे निकल सकते हैं। यस, सजग रहें, सतर्क रहें, अपने हेल्थ पे कंट्रोल रखें और जबान पे कंट्रोल मत रखिए। तो गाइस बस यही छोटी सी चर्चा हमें आपसे करनी थी और अब मैं इस वीडियो का कर रही हूँ अंत, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ये व्लॉगमस 23 दिसंबर 23 का व्लॉग है।
यहीं एंड होता है गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब कुछ पता है, आपको करना है थम्स अप। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नीलम है, मैं बनाती हूँ डेली वीडियोस, आजकल चल रहा है व्लॉगमस सीरीज हमारे चैनल पर। तो अगर आपको पसंद है फैमिली एजुकेशनल फन एंटरटेनमेंट व्लॉग्स, आप इस चैनल को ट्यून इन करें और सब्सक्राइब करके हमारे क्यूट और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। उसके अलावा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या वीडियो सजेशन है, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वो भी मुझे बताइएगा। भाई अच्छाई सुनकर, कॉम्प्लीमेंट सुनकर किसको अच्छा नहीं लगता। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी, ताकि वो भी हमारे इस क्यूट और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमसे जुड़कर उनकी लाइफ में भी फन और एंटरटेनमेंट आ जाए। तब तक आपकी ये क्यूट क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा, फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। Stay wild, stay bindas, loads of love, thanks for watching.